पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी भी सहयोगी जियाउद्दीन खान के साथ में बातचीत करते हुए नजर आए, आप वो भी सुनिए। विधायक राम जी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उन ओला जी भी हमारे साथ हैं। सर, ये यात्रा अब राजस्थान से आगे की ओर बढ़ रही है, मतलब अंतिम उस पर है, किस तरह से ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां हैं? ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा है। ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये यात्रा अभी चल रही है। राजस्थान में 4 तारीख को ये प्रवेश किया, तब से लेकर के इस यात्रा के प्रति लोगों का बहुत उत्साह है। एक तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है और इससे पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी को ताकत मिल रही है, देश की एकता के लिए, बेरोजगारी के लिए, संघर्ष के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल जी सड़कों पे उतरे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में ये यात्रा बहुत ही यादगार रहेगी। किसानों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, इसके पीछे क्या ERCP तो नहीं है? नहीं, किसानों ERCP भी है। ERCP तो किसानों की एक जीवनदायी नहीं है, उसके ऊपर भारत सरकार ने कुंडली मार दी है और राजस्थान सरकार अपने पैसों से भी उसको करना चाहती तो उसमें भी वो उस अनुमति नहीं दे रही है। तो इस बात को लेकर के या पूर्वी राजस्थान में बहुत ही लोगों का आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में, इसलिए भी लोग इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही